आप सभी लोगों का एसएस राजामौली जूनियर एनटीआर एंड रामचरण की फिल्म ट्रिपल आर के डे नंबर 23 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? लेडीज एंड जेंटलमैन, योर आई प्रेजेंट टू यू द 14th फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा टू एंटर द 250 करोड़ क्लब। वो 250 करोड़ क्लब जिसमें अब तक सिर्फ और सिर्फ केवल 13 फिल्मों ने अपनी एंट्री जो है वो कंफर्म की थी। आज एसएस राजामौली की ट्रिपल आर का जो हिंदी वर्जन है उसने अपना नाम इसमें दर्ज कर लिया है 250 करोड़ क्लब में। यहाँ पर बाहुबली है, दंगल है, संजू, पीके, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, वॉर, पद्मावत, सुल्तान, धूम 3, तानाजी, कबीर सिंह एंड कश्मीर फाइल्स, एंड ये सिर्फ 13 फिल्में हैं यहाँ पर हिंदी फिल्म इतिहास में जिसने 250 करोड़ का जो क्लब है वो ज्वाइन किया। एंड यहाँ पर यह प्रेजेंट टू यू ट्रिपल आर, एक फिल्म जिसने अपने पहले दिन पे सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ की कमाई की थी, एंड आज वो 20 करोड़ से लेकर जो जर्नी है यहाँ पर 250 करोड़ का, दिस इज द शियर स्टारडम ऑफ एसएस राजामौली एज अ डायरेक्टर। His massive film which he had made and mind-numbing performances by Junior NTR and Ram Charan in the Hindi version and with some crazy action sequences. एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी लोग बात कर रहे हैं। The third film in the history of Indian cinema to smash more than 1000 crores. ट्रिपल आर इज अ ह्यूमंगस ब्लॉकबस्टर। चलेगा, इसके एपिसोड शुरू करते हैं। डे नंबर 22 इसके हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई की थी, एंड सैटरडे डिस्पाइट द केजीएफ फीवर, इस केजीएफ के आने के कारणवश यहाँ पर ट्रिपल आर का कलेक्शन बढ़ना बहुत ही असंभव था। जितने भी शोज है अच्छे खासे केजीएफ लेके जा रहा है कौन? जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। 100 मेरे पास एक स्क्रीन है, 100 सीट्स है, मैं अगर ट्रिपल आर लगाऊंगा तो 100 सीट्स में कितने फुल होंगे? 35, 45। मैं केजीएफ लगाता हूँ, 100 में से 100 की गारंटी है मेरे पास। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट एग्जिबिटर्स जो है उन्होंने यहाँ पर ट्रिपल आर के ऊपर भरोसा दिखाया है एंड उसको अच्छी खासी शोकेसिंग दी है, क्योंकि अपने आप में अविश्वसनीय। ट्रिपल आर भी निराश नहीं कर रहा है, मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा। एंड सैटरडे फिल्म ने 3.30 करोड़ की कमाई की है। तो ब्रेस योरसेल्फ्स, ट्रिपल आर 23 डेज में 250.09 करोड़ रुपीज कमाकर हमारे हिंदी फिल्म इतिहास की 14th फिल्म बन गई है। 13 नंबर पर द कश्मीर फाइल्स है 251.75 करोड़, एंड उसका रिकॉर्ड ये यहाँ तोड़ के 13 नंबर की फिल्म जो है बन पाएगा, एंड कश्मीर फाइल्स का लाइफ टाइम जो आई थिंक 254 करोड़ पर समाप्त हो जाएगा। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की। तो हिंदी का ग्रॉस होता है 23rd डे का 4 करोड़ रुपया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 1.2 करोड़ का ग्रॉस आया है। द फिल्म इज फिनिश्ड देयर, अभी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है ये फिल्म, अब चलेगी बस हिंदी वर्जन में। कर्नाटका 15 लाख, तमिलनाडु 10 लाख, केरला से कोई कलेक्शन अभी फिलहाल रिपोर्ट नहीं हुआ है, जब वो आएगा मैं कल आपको अपडेट करूंगा। एंड ओवरसीज फिल्म ने 10 लाख की कमाई की है, यानी कि ट्रिपल आर ने, यस फ्रेंड्स, ट्रिपल आर ने अपने 23rd डे पर 5.55 करोड़ की कमाई की है। 22nd डे पर इस फिल्म ने 5.70 करोड़ की कमाई की, यानी कि जो ग्रिप है बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा है। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स, 23 डेज में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 1090 यानी कि 1090.40 यानी कि 1090.40 करोड़ कमा लिया। आई एम डैम श्योर आने वाले समय में जो 1090 का शब्द है वो आप इतना जल्दी सुनोगे नहीं, क्योंकि ऐसी फिल्में ही नहीं बनेगी कि 1090 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा ले। ये ऐसी फिल्में हैं जो डेकेड में एक बार आती है एंड इनका नाम रहता है ट्रिपल आर। कांग्रेचुलेशन टीम ट्रिपल आर कि आपने ऐसे अविश्वसनीय कलेक्शंस कमाए हैं। ओके गाइस, आज इसका डे नंबर 24 है, यानी कि इसका 4th संडे। लेट्स सी आज ये किस तरह कलेक्शंस करेगा। हैदराबाद में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 50% की थी, 180 शोज है। बैंगलोर में 38 शोज में 90% ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है। चेन्नई में एक शो है जो कि फुल गया है ट्रिपल आर का। विजयवाड़ा में यहाँ पे 31 शोज में 48% ऑक्यूपेंसी है। वरंगल में 17 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी है। गुंटूर जिला लो 16 शोज है, 42% ऑक्यूपेंसी है। वाइजाग में 38 शोज में 52% ऑक्यूपेंसी है। यानी कि ट्रिपल आर ऑन इस 24th डे इज ऑल्सो क्रिएटिंग रिपल्स एट द बॉक्स ऑफिस। बात करें हिंदी की तो गाइस, हिंदी में मॉर्निंग शोज 50% पे ओपन हुए हैं केजीएफ के बावजूद भी। मैं आपको पहले कहा है जितने शोज मिल रहे हैं उसमें ट्रिपल आर निराश नहीं कर रहा है,
इसीलिए एग्जीबिटर्स जो है उन्होंने फिल्म पे अभी भी विश्वास दिखाया है। आफ्टरनून 73% शोज पे चल रहे हैं अभी गाइस, तो बहुत अच्छा है। दोपहर में फिल्म 70 चल रही है, जस्ट इमेजिन रात को ये फिल्म कितनी अच्छी चलेगी। मुंबई में 141 शोज है, शोज बढ़ा दिए हैं, अभी ऑक्यूपेंसी 58% की है। दिल्ली एनसीआर 134 शोज में ऑक्यूपेंसी 78% की है। पुणे में 49 शोज में 82% ऑक्यूपेंसी है। बैंगलोर में 20 शोज में से 16 शोज रनिंग हाउसफुल विच इज ह्यूमंगस। कोलकाता में 34 शोज है, 70% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में यहाँ पर 58 शोज में आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 89%। सूरत में मैसिव चल रही है फिल्म, 24 शोज में ऑलमोस्ट 95% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। जयपुर में 72% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 79, लखनऊ में 80, कानपुर में 5 शोज है, 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। यानी कि ट्रिपल आर बहुत अच्छी तरीके से अपने कलेक्शंस जो है वो सिर्फ हिंदी 2D में नहीं बल्कि हिंदी 3D में भी। मुंबई में 41 शोज है, 60% ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 77 शोज में 58% ऑक्यूपेंसी है। पुणे में 28 शोज में 69% ऑक्यूपेंसी है आफ्टरनून में। यानी कि 3D वर्जन एंड द 2D वर्जन आर डूइंग द ट्रिक फॉर ट्रिपल आर, एंड ऐसे ही चलता रहा तो आज हम लोग गाइस 4 करोड़ या फिर 4.5 करोड़ का जो कलेक्शन है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 24 दिनों में ये फिल्म 254 या 255 करोड़ कमाकर अपना जो टोटल है उसको समाप्त करेगी 24 डेज का एंड बन जाएगी द 13th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। ये साइज छोटा अचीवमेंट नहीं है। आने वाले समय में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों को 250 करोड़ कमाने में तकलीफ होने वाली है क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है। यू विल नीड अ मैसिव फिल्म to get in these collections जो इन्होंने किया है। एंड वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो वी विल टच 1100 यानी कि 1100 करोड़, 1100 करोड़ मैक्स टू मैक्स ट्यूजडे मॉर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब मेकर्स जो है प्रोड्यूसर जो है इसका पोस्टर रिवील करें। एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।